माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अगर हम मेटल्स का वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो पहले बात करते हैं हम सोडियम की और पोटेशियम की। अगर हम सोडियम को और पोटेशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। When a piece of sodium and potassium of wheat grain size is dropped in water, अगर हम गेहूँ की जितनी साइज किसकी, या तो सोडियम की या फिर पोटेशियम की, गेहूँ की जितनी साइज सोडियम की या फिर पोटेशियम की अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो एक तो ये होगा कि वो फ्लोट करेंगे, पहला वो फ्लोट करेंगे, वो नीचे डूबेंगे नहीं, वो फ्लोट करेंगे। और बाद में क्या होगा, अगर जब वो फ्लोट करेंगे तो एक तो ऐसे छोटे छोटे बबल्स हो जाएंगे उसके अंदर, क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे बबल्स हो जाएंगे। दूसरा हम लिख देते हैं टीनी बबल्स, टीनी बबल्स, ये जब इसको हम डालेंगे तो छोटे छोटे बबल्स हो जाएंगे। और थर्ड होता है, एक तो बबल्स हो जाएंगे और बबल्स होने के साथ में एक धीरे से साउंड निकलेगा, एक नॉइस निकलेगी, एकदम लिटिल लिटिल नॉइस लिख देते हैं, एकदम धीरे से आवाज़ निकलती है। और फिर एक तो ये नॉइस निकलेगी और दूसरे इसकी साइज जो है बाद में थोड़ी देर बाद में इसकी साइज क्या छोटी होने लग जाएगी। और ये 4 लिख देते हैं, लिटिल साइज, उसके साइज जो है वो छोटी होने लग जाएगी। और जैसे उसकी साइज छोटी होगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर सिल्वर जैसा हो जाएगा। अगर देखो ये इतना है तो बाद में ये इतना हो जाएगा, जब ये इतना होगा तो ये पानी पूरा सिल्वर हो जाएगा, ये पानी पूरा सिल्वर हो जाएगा। जब इसके साइज इतनी सी हो जाएगी तो ये पानी पूरा सिल्वर हो जाएगी। और इसके अंदर बाद में आग भी लग सकती है, जो अगर हम सोडियम को और पोटेशियम को अगर हम क्या कराएंगे, पानी के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर से आग भी निकल सकती है, तो जब आग लग जाएगी। और एक बात और होती है, वो क्या होती है, अगर हम इस सॉल्यूशन को किसी टेस्ट ट्यूब में ले लें, ये मान लो को ये एक टेस्ट ट्यूब है, अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दें, बाद में हम इस पेपर को डाल इसको एक बूंद को अगर हम पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये जो सॉल्यूशन है किसका, एक तो पोटेशियम का और एक सोडियम का, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर। वो क्यों होगा, क्योंकि वो एक बेस है, बेस का ही तो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्जन होता है। तो हमने बात कर ली कि अगर हम किसी भी सोडियम के या फिर पोटेशियम के किसी पीस को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा, बबल्स आने लगेंगे, धीरे से एकदम आवाज़ आने लगेगी और उसकी साइज छोटी हो जाएगी और उसका पूरा ग्रे कलर हो जाएगा। और साथ में कुछ देर बाद में वो बर्न भी हो सकता है। तो ये सब होता है किसके साथ में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर के साथ में, सोडियम और पोटेशियम। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं, हमने जो पहले देखा था कि अगर हम पोटेशियम को अगर मान लो हम पोटेशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो पहले हम सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस, ये H2 गैस है। तो जब हम सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस H2 गैस। अगर हम पोटेशियम को, K का मतलब पोटेशियम, अगर हम पोटेशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस H2। अब एक नोट है, नोट क्या है,
नोट ये है कि अगर हम पोटेशियम को या फिर सोडियम को अपने ये खुले हाथों से अगर हम उसको टच कर लेंगे बिना ग्लव्स पहने हुए तो हमें करंट लग सकता है। तो इसी कारण हमें करंट लग सकता है। तो इसी कारण हमें जो भी पोटेशियम होता है या फिर जो भी सोडियम होता है उसको ग्लव्स पहन के टच करना चाहिए। फिर हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम के अंदर क्या होता है, अगर हम किसी कैल्शियम के पीस को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी जो कैल्शियम का टुकड़ा है वो पानी के अंदर तैरेगा नहीं। हमने देखा था कि जो सोडियम का टुकड़ा होता है वो तो पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन ये जो कैल्शियम का होता है ये पानी के अंदर नीचे डूब जाता है। जब ये पानी के अंदर नीचे डूब जाते हैं तो ऊपर बबल्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो होगा सिंक, फर्स्ट तो है वो सिंक कर जाता है और दूसरा उसके ऊपर बबल्स आने लगते हैं, ये सेकंड बबल्स, इसके ऊपर ऐसे बबल्स आने लगते हैं। और इसका जो भी कलर होता है, हमने देखा था कि सोडियम का कलर कैसा हो जाता है, सिल्वर कलर हो जाता है, लेकिन इसका कलर एकदम वाइट मिल्की कलर हो जाता है। कौन सा, मिल्की कलर। और ये जो भी बबल्स निकले हैं ये H2 गैस के बबल्स निकले हैं, H2 गैस के बबल्स निकले हैं और इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाता है, इसका कलर मिल्की हो जाता है। और थर्ड लिख देते हैं मिल्की कलर। और क्या होता है, एक तो मिल्की कलर हो जाता है, और अगर ये जो है इसको अगर हम ये एक तो ये पानी भी गर्म हो जाता है, इसका जो पानी है वो गर्म हो जाता है। और पानी गर्म होने के साथ में क्या होता है, अगर हम इसको पेपर के अंदर डालेंगे तो ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये बेसिक इन नेचर है, जो बेस होता है वो ही रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने देख लिया सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का वाटर के साथ में रिएक्शन। अब हमने जो पढ़ा था कैल्शियम के बारे में, हम उसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। तो पहले आएगा कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ में तो रिएक्ट कर रहे थे, तो अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 जो कि एक गैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, अगर हम मैग्नीशियम को, हमने पोटेशियम की बात कर ली, सोडियम की बात कर ली, कैल्शियम की बात कर ली, अब हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। अगर मैग्नीशियम को हम स्टीम से रिएक्ट कराएंगे, स्टीम मतलब जब हम पानी को उबालते हैं तो उसकी जो भाप होती है, तो अगर हम मैग्नीशियम को उसकी भाप से रिएक्ट करवाएंगे, इट गिव्स वाइट कलर और हीटिंग। तो ये कैसा कलर देगा, वाइट कलर, मतलब वो मिल्की कलर देगा हमें। तो वाइट कलर देगा जब हम उसको गर्म करेंगे तब। तो मैग्नीशियम प्लस H2O वाटर से ही तो स्टीम बनती है, या फिर H2O लिखो, स्टीम हो चाहे से वो वाटर हो चाहे वो आइस हो, होगा तो फॉर्मूला उसका H2O ही, क्योंकि वो वाटर से ही तो मिलके बना है। तो मैग्नीशियम प्लस H2O किसके बराबर होता है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा शायद यहाँ पे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इन सभी की बात कर ली और हमने मैग्नीशियम की भी बात कर ली। अब हम आयरन और जिंक की बात करेंगे। तो आयरन, जिंक एंड आयरन रिएक्ट स्लोली विथ स्टीम, ये भाप के साथ में धीरे रिएक्ट करते हैं। तो धीरे, जैसे जिंक है तो जिंक को अगर हम वाटर के साथ में H2O वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। मैंने आपको पहले मैग्नीशियम में बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे मैंने OH करवाया था, लेकिन यहाँ पे OH नहीं होगा। अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। तो आप उसको सही कर लेना। तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, H2 गैस है।
तो अगर हम जिंक को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2 या वाटर के साथ में नहीं, हम इसको स्टीम के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। हमने कैल्शियम पोटेशियम सोडियम के अंदर देखा था कि हम उसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहे थे, लेकिन हम इसको स्टीम के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। फिर Fe आयरन का है सिंबल, तो Fe को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो Fe2O3 प्लस क्या बनेगा H2 गैस Fe2O3 ये बन जाएगा। और ये रिवर्सिबल, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था उसमें ये साइन था, लेकिन इसके अंदर ये साइन है, तो इस साइन का हमें ध्यान रखना है। ये रिवर्सिबल है, मतलब ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। तो अगर हम Fe को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो Fe2O3 प्लस H2 गैस बनेगा। तो हमने जान लिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिस्टिल्ड मिनरल्स। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।